एनर्जी डिस्प्लेसमेंट यह क्या आ गया था एफ एस कॉस थीटा यह थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट यह थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इतना बता दिया था। और फिर उसके बाद हमने fx is variable, if force is variable, force is a function of x, तो उस कंडीशन में हमने क्या था इंटीग्रेशन ऑफ f वेक्टर डॉट dx करते हैं। फिर हमने उसके ऊपर जो कुछ न्यूमेरिकल्स थे एरिया के अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का हमें ग्राफ भी देना है तो एरिया इधर का फोर्स का एंड डिस्प्लेसमेंट का लाइन जो रहता है उसके बीच का जो एरिया रहता है वो क्या हमें देता है वर्क डन इसका न्यूमेरिकल हमने एक्सप्लेन कर दिया था। फिर उसके बाद हम आए थे एनर्जी के ऊपर ठीक है कैपेबिलिटी ऑफ वर्क डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी और एनर्जी यानी कि फोर्स लगाने के लिए जो हमें कैपेबिलिटी जो हमें ये की आवश्यकता होती है वही क्या करना कहलाती है एनर्जी। एनर्जी को हमने डिस्क्राइब किया था एनर्जी मिलती है हमें इस चैप्टर में मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ना है जो कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू मोशन इफ बॉडी हैव मास m एंड वेलोसिटी v देन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m vs पर एंड पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू ओरिएंटेशन ठीक है अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो एग्जिस्ट करता है सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फील्ड या तो फिर कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए एग्जिस्ट करता है इतना बताया था। उसके बाद हमने क्या बताया था डिसिपेटिव फॉर्म ऑफ एनर्जी यानी वो एनर्जी जो सराउंडिंग में डिसिपेट हो जाती है जिसको फिर से रीगेन नहीं कर सकते उसे हम क्या कहते हैं डिसिपेटिव फॉर्म ऑफ एनर्जी जैसे हीट एनर्जी साउंड एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। और यहाँ पर हमने फिक्सर का एग्जाम्पल दिया था वहां से डिसिपेटिव फॉर्म ऑफ एनर्जी के बारे में बताया था ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में। कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता था इसमें डिसिपेशन नहीं होगा और वर्क डन जो रहेगा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करेगा और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या करेगा पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा और इसमें एनर्जी डिसिपेट होगी। कंजर्वेटिव फोर्स में हमने बताया था कि क्लोज वर्क डन जो होगा अगर हम जिस पॉइंट पर चले उसी पॉइंट पर वापस आ गए तो नेट वर्क डन क्या होगा जीरो लेकिन इस केस में क्या होगा नेट वर्क डन जीरो नहीं होगा कुछ ना कुछ वर्क डन होगा वो एनर्जी के लॉस के फॉर्म में जाएगा। ये हमने बताया था कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। उसके बाद हम किस ये पर उसके बाद स्प्रिंग फोर्स के बारे में बताया था। स्प्रिंग फोर्स के बारे में क्या बताया था जो हम वर्क डन करेंगे वो उसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगी और वहां से हमने f = kx dx को इंटीग्रेशन करके half kx square by half kx square लाया था यानी वर्क डन जो होगा स्प्रिंग को x कंप्रेस करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा half kx square यानी उसमें से फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो एनर्जी स्टोर होगी वो कितनी होगी हाफ के एक्स स्क्वायर यही स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का लगा यानी कभी भी अगर हम टेक्स्ट इंफॉर्मेशन के तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी भी हाफ के एक्स स्क्वायर। उसके बाद हमने एनर्जी भी टाइम पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन बताया आपको स्प्रिंग के बीच में। नॉर्मली ये जो कॉन्सेप्ट है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बचपन में आप लोग पढ़े होंगे उसमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में इनिशियल एनर्जी जो है टू फाइनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमने यूज कर लिया इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आगे चल करके ठीक है। शुरू में हमने एक्सटर्नल कंप्रेस करके रखा था उसके पास टोटल एनर्जी सिर्फ की थी क्या थी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में और जब हमने उसे छोड़ दिया अपना फोर्स हटा दिया तो एक्सटर्नल कंप्रेस और उसके पास वेलोसिटी भी है वी है तो कितना हो गया हाफ के एक्स टू के एक्स वन स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स टू स्क्वायर प्लस हाफ एम बेस पर इनिशियल कंप्रेशन एक्स वन फाइनल कंप्रेशन एक्स टू। उसके बाद हमने यहाँ पर बताया कि जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है मीन पोजीशन के ऊपर पहुंचेगी वहां पर एक्स टू जीरो होगा तो उस समय हमारे पास एनर्जी क्या होगी मैक्सिमम होगी। इसी कॉन्सेप्ट से आप लोग जब एस एच एम पढ़ेंगे वहां पर मैं ये बताऊंगा कि ये जो है एस एच एम को शो करता है ठीक है अभी नहीं वो उस समय बताया जाएगा। उसके बाद अब हम आते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम की तरफ में। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है वर्क और एनर्जी का एक तरह का रिलेशन है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है कि जब हम किसी भी बॉडी के ऊपर वर्क करते हैं ठीक है जब हम उस बॉडी के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो उसमें क्या एनर्जी चेंज होगी अगर हम पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं तो एनर्जी क्या होगी इंक्रीज करेगी और नेगेटिव वर्क करेंगे तो एनर्जी क्या होगी डिक्रीज करेगी।
समझ में आ रहा है? यानी सिंपल सी बात है, जब भी हम किसी भी बॉडी के ऊपर वर्क करेंगे, किसी भी सिस्टम के ऊपर वर्क करेंगे, तो उसकी एनर्जी चेंज होगी। तो यहाँ पर जब रिजिड बॉडी की बात होती है तो रिजिड बॉडी में काइनेटिक एनर्जी, रिजिड बॉडी उस बॉडी को कहते हैं जिसमें दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। यानी कि एक तरह से सॉलिड बॉडी ले लिया जाए, जैसे ये देखो ये क्या है रिजिड बॉडी, यहाँ पर एक पॉइंट इसको मान लो और एक पॉइंट ये मान लो, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर ऐसे इसको थ्रो भी कर देते हैं तो क्या इन दोनों के बीच का कभी कोई डिस्टेंस चेंज होगा क्या? तो ये क्या कहता है रिजिड बॉडी। वहीं पर अगर इसे ले लेते हैं तो इसमें क्या दो पॉइंट ले लो, एक इसे ले लो और एक इसे ले लो, तो इन दोनों के बीच का पॉइंट क्या होगा चेंज होगा, थोड़ा सा कंप्रेस किया पॉइंट क्या होगा चेंज होगा पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो ये रिजिड बॉडी नहीं कहलाएगा। नॉर्मल लैंग्वेज में इतना ध्यान रखने का, ठीक है। तो अलग अलग बॉडी के केसेस में हम अगर कंजर्वेटिव फोर्स में कंजर्वेटिव फील्ड में अगर रहेगा या तो कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा होगा तो वहां पर कंडीशन में क्या होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क एनर्जी पर तो क्या हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सिस्टम ऑफ बॉडी रहेगा तो टोटल चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम में लिखिए व्हेनेवर वर्क इज डन, whenever work is done on an object or a system, on an object or a system of particles, or a system of particles, its energy increases, increases या बगल में लिख दीजिए change, बगल में लिख दीजिए change, change, comma, and the increase बगल में लिखिएगा चेंज, इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी हो सकता है, ओवरहेड के ऊपर डिपेंड करता है। पॉजिटिव वर्क करें तो एनर्जी इंक्रीज करेगा, नेगेटिव वर्क करें तो एनर्जी क्या होगा डिक्रीज करेगा। इंक्रीज ब्रैकेट में चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन सिस्टम स्लैश ऑब्जेक्ट, ठीक है, सिस्टम स्लैश ऑब्जेक्ट। एक बार फिर से सुनिए, रिपीट करता हूं मैं, व्हेन एवर वर्क इज डन ऑन एन ऑब्जेक्ट or a system of particles, comma, its energy increases, and the increase in energy is equal to work done on system या object, system slash object, ठीक है, समझ में आ रहा है। तब लिख देता हूं इन केस ऑफ रिजिड बॉडी, आपको पता है ये जो मैं लिख रहा हूं उसको भी ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस ध्यान में यह स्टेटमेंट रखना है कि जब हम वर्क करेंगे तो एनर्जी चेंज होगा। भैया जब उसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगा तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी चेंज करेगा, उसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगा तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी चेंज करेगा, या तो फिर अगर उसके पास दोनों ही होंगे तो क्या होगा दोनों चेंज करेगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी लॉजिक है, ठीक
ठीक है, ये जो है ये तो मैं हिंट के लिए लिख रहा हूँ, इसको लिखूंगा लेकिन आपको दिमाग में इतना ही रखना है ठीक है। एनर्जी चेंज की बात हो रही है तो जो एनर्जी रहेगा हम उसको चेंज कर देंगे, जो चेंज होगा उसके हिसाब से देख लिया जाएगा। और फाइनली हम सिस्टम में लिख भी रहे कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इन केस ऑफ रिजिड बॉडी वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव आया तो हमारा वर्क डन पॉजिटिव है, अगर ये नेगेटिव आया तो हमारा वर्क डन क्या है, नेगेटिव है। इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, आपको पहले बताया गया कि कंजर्वेटिव फोर्स किस कंजर्वेटिव के लिए कौन सा डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं कि सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से देखेंगे कंजर्वेटिव फोर्स, तो जब इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स रहेगा तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख देंगे, या तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख दो या तो पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये रहने को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद इन केस ऑफ सिस्टम ऑफ बॉडीज, इन केस ऑफ सिस्टम ऑफ बॉडीज वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तीनों केसेस को हम देख लेते हैं, ठीक है। जो हम तीनों केसेस डिस्कस कर रहे हैं, रिजिड बॉडी, कंजर्वेटिव फोर्स और क्या बोलते हैं इन केस ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, इन तीनों केसेस को हम देख लेते हैं, ठीक है। केस वन, रिजिड बॉडी और सॉलिड बॉडी के बारे में बात करिए। रिजिड बॉडी के बारे में जैसे कि ये रहा, नो डाउट नहीं करना है कि चल करके बोलना, पहले समझने का कोशिश करना। एम मास का बॉडी एक गिवन वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। हमने क्या इसके ऊपर फोर्स लगा दिया, एफ फोर्स लगाया और कुछ समय तक कंटिन्यूअस लगाया था। जब हम एक तो आप जा रहे हैं, पीछे से आपको अगर धक्का दिया जाने लगा कंटिन्यूअसली तो धीरे धीरे क्या हो गया, आपकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और ये स्मूथ सर्फेस है, स्मूथ सर्फेस यानी फ्रिक्शन के बारे में तो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, फ्रिक्शन नहीं है, पूरे स्मूथ सर्फेस है, ठीक है। तो ये क्या होगा, सपोज अगर कुछ समय तक लगाते हैं तो उस समय इस मास की वेलोसिटी क्या हो गई, वी2, और ये यहां से यहां तक क्या डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, एस, ठीक है। तो वर्क डन क्या होगा, एक तो सिंपल जो पहले फॉर्मूला जानते हैं, वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एक फॉर्मूला। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ना आपको फोर्स दिया रहा ना डिस्प्लेसमेंट दिया रहा, तो फिर आप क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी के थ्रू जाएंगे, क्योंकि देखो वेलोसिटी दे दिया, ऐसे फोर्सेस मिलेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दिख रहा आप लोगों को फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर, ठीक है। हाफ एम वी1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी1 स्क्वायर, एक तो यहां से लिख देंगे, दूसरा यहां से लिखेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या, हाफ एम वी2 स्क्वायर माइनस हाफ एम वी1 स्क्वायर, चलिए ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बताता हूं। कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स, अब देखो जैसे कि सपोज दैट यहां पर ये,
ये क्या स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है के। अब यहां पर ये हो गया इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन या न्यूट्रल मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन। यहां पर भी खड़ा ठीक है, तो अब इसने क्या किया ये कंप्रेस करना शुरू किया। कंप्रेस करना शुरू किया इसने यहां से धक्का देते देते इसको कंप्रेस कर दिया। देखो कितना कंप्रेस कर दिया इसने x कंप्रेस कर दिया। तो आप पूछेगा वर्क डन बाय दिस ठीक है वर्क डन बाय दिस ठीक है। यहां पर इसने फोर्स लगा करके इसने फोर्स लगाया कंटिन्यूअसली और इसने कंप्रेस कर दिया इसे x कंप्रेस कर दिया। तो वर्क डन बाय दिस तो यहां पर हम लिखेंगे वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट W is equal to change in potential energy, ठीक है? W is equal to change in potential energy. तो initial potential energy क्या है? Zero. तो ये equilibrium position पर है, ये initially है, और ये क्या है? Finally. Finally x compress कर दिया है, final potential energy is equal to half a x square. तो work done is equal to क्या हो गया? Half a x स्क्वायर माइनस जीरो। या अगर x1 x2 रहेगा तो उसी हिसाब से हम कर देंगे। बस एक चीज ध्यान में रखिएगा यहां पर जो ये फोर्स लगाएगा ना हमेशा इक्विलिब्रियम के कंडीशन में रहेगा। यहां पर जो ये फोर्स लगाएगा हमेशा इक्विलिब्रियम के कंडीशन में रहेगा यानी जो ये फोर्स लगा रहा है और इधर से जो स्प्रिंग की वजह से इसे रीस्टोरिंग फोर्स मिल रही है वो हमेशा दोनों क्या रहेगी सेम रहेगी। जैसे कि हम ब्लॉक पर ये m मास का ब्लॉक रखा हुआ है इसे h हाइट तक ले जाते हैं तो वर्क डन क्या हो गया mgh। तो जब भी हम फोर्स लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि इतना ही लगाए mg के इक्वल ही हमारा फोर्स लग रहा है बस तो मतलब थोड़ा सा ज्यादा लगाएंगे तभी ऊपर जाएंगे तो इक्वल लेकर के चलते ताकि बॉडी में क्या हो एक्सीलरेशन ना वेलोसिटी ना। जब इसमें एक फोर्सेस इक्वल रहेंगे इसमें किसी तरह का कोई वेलोसिटी या कुछ नहीं आएगा इसको लेकर के चलते हैं ठीक है यहां तक हो गया। अब थर्ड देखते सिस्टम ऑफ पार्टिकल यानी अब सिस्टम में क्या है देखो सिंगल रिजिड बॉडी में हमने क्या लिया m का अलग लिया और ये अलग लिया यानी अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में क्या तीनों को दोनों को कंबाइंड कर देंगे कंबाइंड इधर हो चुका है। केस 3 में क्या करेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ठीक है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में क्या है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में हमें ये देखना है कि मान लो ये क्या है स्प्रिंग है एम है और ये के लिए ठीक है ये ग्राउंड का है अब यहां पर इसने क्या किया फोर्स लगाया। अब जब ये फोर्स लगाएगा तो रीस्टोरिंग फोर्स तो दोनों साइड में आएगी रीस्टोरिंग फोर्स इधर भी लगेगी फोर्स लगाना रीस्टोरिंग फोर्स भी इधर भी लगेगा ये बता चुका हूं। तो रीस्टोरिंग ये कंप्रेस भी होगा आगे भी जाएगा तो कुछ ये मान लो यहां से यहां तक ये फोर्स लगने की वजह से डिस्प्लेसमेंट s हुआ है और स्प्रिंग में जो कंप्रेसर क्या है कुछ कंप्रेशन भी हो गया है और ये ब्लॉक में कुछ वेलोसिटी भी आ गई है और ये क्या है कुछ कंप्रेस भी हो गया है एक्स क्या है कंप्रेशन ठीक है और इसमें क्या हो गई वेलोसिटी भी हो गई है। तो अब हम इस कंडीशन में क्या करेंगे
तो अब हमारे लिए क्या है कि वर्क डन हमें फाइंड करना है। इसमें क्या हो गया, कंप्रेशन या तो डिफॉर्मेशन एक्स हो गया, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट तो क्या आपको पहले से दिया है, तो अब इस कंडीशन में जो वर्क डन होगा, वर्क डन का एक्सटर्नल फोर्स यहां पर लिखेंगे हम, वर्क डन का एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन का एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, इनिशियली तो रेस्ट में है और ये कोई इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है रेस्ट में, तो जीरो। और फाइनली क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ ए। हम जो वर्क दे रहे हैं, फर्स्ट ये मैंने बताया था कि हम जो वर्क दे रहे हैं वो कहाँ पर जा रही है, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। कॉपी में देखिएगा कि पहला डेफिनेशन ये है कि वर्क क्या है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी खुद से मैं सामने वाले में ट्रांसफर कर रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ ए एक्स स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ ए, ठीक है। देखो क्या यू पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, बोला हुआ स्लोली मूविंग, स्लोली मूविंग यानी वेलोसिटी जीरो है इसका, वेलोसिटी जीरो एक्सट्रीम करना है 3.2 से 1.4, ये एक्स कॉमा वाई को रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट वाला एक्स कोऑर्डिनेट को, सेकंड वाला वाई कोऑर्डिनेट को। अब इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, सॉल्व करने के लिए जब हम जाएंगे तो आप लोगों को पता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बता चुका हूं, बाई वर्क के द्वारा जो एक्सटर्नल एजेंट लगता है क्या होता है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और यू एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है, एक्स के साथ चेंज कर रहा है, यू इज इक्वल टू क्या है, यू इज इक्वल टू है 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 2, यानी यू किसके साथ में चेंज कर रहा है, x के साथ में, तो यू इज अ फंक्शन ऑफ x है, y का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहां पर, x के साथ में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो अब हमें फाइंड करना है इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, की वैल्यू पुट कर देंगे तो अब हम जाएंगे इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट पर जब हम जाएंगे तो इनिशियल पॉइंट हमारा क्या है 3.2, इनिशियल पॉइंट हमारा क्या है 3.2, ठीक है, इनिशियल पॉइंट 3.2 है। तो अब 3.2 में ये है एक्स को रिप्रेजेंट क्या, और एक्स इज इक्वल टू कितना है 3, एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 3, तो इनिशियल क्या हो गया 4 × x² 3 का स्क्वायर प्लस 3 × 3 हो गया माइनस 5, तो कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9 × 4 36, 3 × 3 9 45 माइनस 5 42, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है उसके पास 42, ठीक है। अब उसके बाद हम फाइनल पॉइंट के ऊपर आते हैं, मैं इतना डिटेल में सॉल्व कर रहा हूं इसलिए इतना लग रहा है, तो सिंपल डायरेक्ट वैल्यू पुट करके चेक कर लेंगे। फाइनल पॉइंट क्या है -1.4, यानी ये क्या हो रहा है, फाइनल x इज इक्वल टू क्या हो गया -5, तो u फाइनल इज इक्वल टू लिखेंगे 4 × x² यानी -1 का स्क्वायर प्लस 3 × -1 -5, ठीक है। तो -3 - 5 क्या हो गया -8 + 4, यानी u फाइनल इज इक्वल टू क्या हो गया -4 जूल। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट नीचे दिख रहा है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना हो गया u फाइनल माइनस u इनिशियल, u फाइनल कितना है -4 - 40 जूल, तो यहां पर हमारा कितना आ जाएगा, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना आ गया -44 जूल, यानी यहां पर क्या वर्क डन बाय द मतलब वर्क डन जो किया गया इन एक्सटर्नल एजेंट की गेन एनर्जी, यहां पर एक्सटर्नल एजेंट सप्लाई नहीं किया एनर्जी, एक्सटर्नल एजेंट क्या है गेन किया एनर्जी, क्योंकि सप्लाई करता तो यहां पॉजिटिव आता, सप्लाई करता तो पॉजिटिव आता, यहां पर गेन किया। चलिए ठीक है, इसको नोट करवा दीजिए, अब लिख लीजिए क्या, इन दिस प्रोसेस एक्सटर्नल एजेंट भी
गेन एनर्जी आणि ये क्या है माइनस 44 जूल हो गया आणि की एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई नहीं किया एनर्जी क्या किया गेन किया इन दिस प्रोसेस एक्सटर्नल एजेंट अगर बाय द वे आपको क्वेश्चन में दिया कि यहां से यहां तक ले जाना है बताओ एक्सटर्नल एजेंट क्या किया है गेन एनर्जी सप्लाई एनर्जी नथिंग या कुछ ऑप्शन रहता लेकिन आपका कैलकुलेशन तो वहां -44 जूल आता तो वहां से आपको रिलेट करना पड़ेगा -44 आ रहा है नेगेटिव आ रहा है एक्सटर्नल एजेंट क्या कर रहा है गेन कर रहा है अगर +44 आता तो क्या होता सप्लाई कर रहा है एक्सटर्नल एजेंट इस कांसेप्ट को ध्यान में रखिएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट लिखते हैं कितने बजे से बायो की क्लास है अच्छा